नहीं बट आप सभी का स्वागत है। जैसे गाइस अभी मेरे सामने देख सकते हैं हीरो गाइस पैशन प्रो बाइक का गाइस पूरा कंप्लीट इंजन है। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करेंगे इसका फुल इंजन का कंप्लीट फिटिंग के बारे में। वीडियो गाइस आज का मेरा बहुत इंटरेस्टिंग हेल्पफुल है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। साथ साथ चैनल पहली बार आया चाहूँगा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस सारा चीज कंप्लीट मेरा गियर बॉक्स और तरफ सारा चीज मेरा दिखा हुआ इधर गाइस हम लोग का पैकिंग जो गाइस मैं सामान डाल रहा हूँ सारा पार्ट पूजा का इधर हम लोग का रखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। इन सभी फिट चीज़ों को फिटिंग करने के बाद साउंड क्वालिटी किस तरह आना चाहिए आप लोग को पता चल जाएगा और किस तरह सब चीज़ों को फिटिंग करने भी पता चल जाएगा। इसके अंदर इंजन का अगर आप लाइफ ज़्यादा दिन तक चाहते हैं तो क्या क्या सामान चेंज करना चाहिए इंजन का लाइफ ज़्यादा दिन तक रहे दोस्तों। तो गाइस आप लोग को बता दूँ इसके गाइस मैंने क्या क्या काम किया बता देता हूँ। इसके बाद मैं पूरा जेनुइन सामान डाला हूँ इसके अंदर देख सकते हैं। गाइस मेरे पास पैकिंग है इसके गाइस डाल रहा टाइमिंग चेंज का पूरा गाइस किट डाला हूँ इसके अंदर। साथ क्लच प्लेट है, होलसेल किट है, इसका प्रेशर प्लेट है, एक पूरा इंजन का बेयरिंग है, डीवीटी पिनर है, बुश है, क्लच हाउसिंग का बुश है, हेड का गाइस मैंने कंप्लीट काम किया है। हेड का गाइस मैंने इसका कंप्लीट काम किया आप लोग देख सकते हैं। हेड का गाइस मैंने इसका बेल वगैरह नया डालकर फिटिंग कर दिया है। साथ ही साथ इसका मैं क्रेंक का गाइस मैंने पूरा काम किया हूँ। क्रेंक का रड वगैरह गाइस पूरा खराब था, इसका मैं रड मैंने चेंज किया हूँ, दोनों बेयरिंग मैंने नया डाला है आप लोग देख सकते हैं। इसका दोनों बेयरिंग गाइस मैंने न्यू डाला हुआ है। साथ ही साथ इसका पिस्टन गाइस मैंने पॉलिश करके लगाया, मैंने बोर करके लगाया है पिस्टन। तो इन सभी चीज़ों का गाइस मैंने इसका काम किया हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट इन सभी चीज़ों को फिटिंग करते हैं और आप लोग को दिखाता किस तरह फिटिंग का प्रोसेस, वीडियो का पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को सारा फिटिंग का प्रोसेस किस तरह फिटिंग करना चाहिए उन सभी चीज़ों का पता चल जाए। चलिए लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस तो चलिए अभी हम लोग उसका गियर बॉक्स बिठाएंगे। गाइस अगर गियर बॉक्स किस तरह बैठाना चाहिए सबसे पहले बताते हैं और डिटेल के साथ वीडियो चाहता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं। गियर बॉक्स सारा पिनियन को बिखार के दोबारा किस तरह फिटिंग करना चाहिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग का जो सिलेक्टर होता है वो सभी सिलेक्टर को फिटिंग करते हैं। इसमें हीरो होंडा में कुछ खास नहीं तो मतलब ना नॉर्मल है ना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, इजीली फिट हो जाएगा। चलो फटाफट इसको फिटिंग करते हैं। जो सिलेक्टर हम लोग को उल्टा लगेगा नहीं, इसमें कोशिश कीजिए आप उल्टा लगाने का, बट उल्टा लगेगा नहीं तो सीधा ही लगेगा, उल्टा नहीं लगने वाला नहीं, इस तरह से इजीली लग जाएगा। चलिए इसको हम लोग बैठाते हैं, इस तरह इजीली बैठ जाएगा दोस्तों, कुछ झमेला दिक्कत करेगा नहीं, इजीली बैठ जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसलिए गाइस मेरा गियर बॉक्स बैठ चुका है, इसलिए गाइस गियर बॉक्स बैठ गया। अब चलो थोड़ा वाइल देकर इसको रूबिकन कर लेंगे कि हम लोग का पिनियन सारा अच्छा से गियर काम करे, कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए वाइल देकर रूबिकन कर लेंगे। अच्छा से मैंने इसको वाइल दे दिया, वाइल देने के बाद अब चलो हम लोग क्रैंक बिठाते हैं। थोड़ा सा जहाँ हम लोग करेंगे बैरिंग बैठने वाले यहाँ पर थोड़ा सा वायर देखो रूबिकन करेंगे, हम लोग का करेंक इजीली चल जाए, इसमें कुछ दिक्कत ना हो। गाइस मैंने करेंक का कंप्लीट काम किया, इसका पिन रड दोनों बैरिंग न्यू डाला है क्योंकि इंजन का साउंड क्वालिटी बेहतर निकले, इसलिए गाइस सारा चीज़ न्यू डाला। किस तरह कितना सामान डाला मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे उस वीडियो को भी जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो कंप्लीट गाइस कर दिया मैंने, अगला वीडियो डिस्क्रिप्शन में है और कंप्लीट क्लच का फिटिंग हेड साउंड फिटिंग सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, कुछ अच्छा सा जानकारी लगे तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।